अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, सल्तनत ओमान से बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नया रूल आया है सल्तनत ओमान का, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये रूल है, बेसिकली मुझे ये रूल ऑलरेडी पता था, क्योंकि जब मैं अपनी ट्रावर्स स्टेशन वैगन जब मैं ख़रीद रहा था, तो उस वक्त मुझसे ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मुझसे रिक्वायर किया गया था कि आप फैमिली के पासपोर्ट दो, अगर आप यहाँ पर जो है वो फैमिली मेम्बर हैं आपके, तो ही हम आपको ये गाड़ी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। लेकिन आज ये ऑफिशियली न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, और ये बता दिया गया कि फोर व्हील ड्राइव, पहले था सिर्फ स्टेशन वैगन जो गाड़ी है ना, जैसे मेरे पास क्रूजर थी, लैंड क्रूजर स्टेशन थी वो, उसके लिए, और ट्रावर्स थी, वो भी स्टेशन वैगन थी, जो 7 सीटर बड़ी गाड़ियां होती है उनके लिए रिक्वायरमेंट थी पहले भी कि आपको पासपोर्ट पर देनी पड़ती थी। ये रिक्वायरमेंट जो आम बंदे से पूछी जाती थी, वो पूछी जाती थी सिर्फ येलो नंबर प्लेट के लिए, रेड नंबर प्लेट आप ले सकते थे, और अभी भी आप रेड नंबर प्लेट कंपनी के नाम पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन येलो नंबर प्लेट के लिए अब फोर व्हील ड्राइव गाड़ी सिर्फ वही बंदा खरीद सकता है कि जिसकी यहां पर फैमिली मौजूद हो, और वो पासपोर्ट शो कर सके कि हाँ भाई ये लोग मेरी फैमिली के यहां पर रह रहे हैं और मुझे इस गाड़ी की जरूरत है, तभी आपको वो फोर व्हील गाड़ी मिलेगी। अदरवाइज आप फोर व्हील गाड़ी अब सल्तनत ओमान में नहीं खरीद सकते विदाउट फैमिली मेंबर्स आपके यहां पर मौजूद हों और आप ये प्रूव कर सकें कि हाँ भाई आपको फोर व्हील की जरूरत है। तो ये एक लॉ, एक नया है जो पब्लिश हुआ है सल्तनत ओमान में। जितने भी लोग गाड़ियों के सौदे करना चाह रहे हैं फोर व्हील के, वो थोड़ा देखें, ख्याल करें, ऐसा ना हो आप पेमेंट कर दें बंदे को पूरी, और उसके बाद जब आप आरओपी पहुंचे अपनी इंश्योरेंस चेंज करवा के उधर पहुंचे, तो आपको एक शॉकिंग से एक सरप्राइज मिले कि ओहो ये तो मेरे नाम पे चेंज ही नहीं हो सकती, और आपका जो जिससे आपने सौदा किया हुआ वो बंदा बोले भाई अब तुम्हारे हेडेक है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ये अपडेट्स मैं आपको देता हूं, ये आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है। अगर आप क्रूजर व्रूजर लेते हो तो करोड़ों की बनती है वो। तो भाइयों इस वीडियो को आप सेव करो और समझो, अगर आपकी फैमिली ओमान में मौजूद है और आपके पास 5 या 5 से ज्यादा पासपोर्ट हैं जो आप शो कर सकते हो आरोपी, तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हो और आपकी फैमिली यहां पर नहीं है, तो आप भले किस भी वीजा पर हो, आप भले स्पॉन्सर के वीजा पर, किसी भी वीजा पर हो, आप वो गाड़ी येलो नंबर प्लेट वाली नहीं ले सकते फोर व्हील ड्राइव। लेकिन अगर आपकी फैमिली यहां पर मौजूद है, 5 या 5 से ज्यादा पासपोर्ट आपके पास हैं, तो आप जाके कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, 7 सीटर, फॉर्च्यूनर, प्राडो, लैंड क्रूजर, स्टेशन वैगन, ट्रावर्स, एनीथिंग यू कैन बाय। तो ये एक अपडेट थी जो आप लोगों के पास थी, जो मेरे पास थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। आप आगे लोगों से इसको शेयर करें। दुआओं की दरखास्त, मैं हूं बिलाल मोइन, आपको इसी तरह की अपडेट्स देता रहता हूं जो आपको नुकसान से बचाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।